हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप इस तरह से फ्रिल घर पे बना के कैसे रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हम फ्रिल बनाएंगे आज। आप दुपट्टे पे फ्रिल, फ्रॉक पे फ्रिल या फिर किसी भी चीज़ पे फ्रिल किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-2 इंच की पट्टियाँ कट की हैं फ्रेंड्स। ये मैंने नेट का कपड़ा लिया है, आप किसी भी कपड़े पे आप फ्रिल बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ये कपड़ा लिया है, ये नेट का कपड़ा लिया है। तो फ्रिल तो हमेशा से ट्रेंड में रहती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए, अभी मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं, अब हम मशीन को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो सिलेक्टर आता है स्टार्टिंग में, इसको आपने 8 पे रखना है, 8 पे या फिर 9 पर भी रख सकते हैं, लेकिन 8 या 9 पर ही रखना है, उससे कम नहीं रखना है। जितना आप ज़्यादा रखोगे उतने अच्छे से ये फ्रिल बनेगी, ठीक है। इसको मैं 8 पे सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो ABCD है, आपको किस तरह का स्टिच चाहिए, तो वो मैंने A पे सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे लेंथ कितनी रखनी है आपने स्टिच की, 4 इंच, मैंने सबसे बड़ा वाला रखा है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, दूसरी मैनुअल मशीन है अगर, तो उसमें आपने क्या करना है, जो सिलाई स्टिचिंग वाला आता है ना, जिसमें आप स्टिच को सिलेक्ट कर सकते हैं बड़ा छोटा करके, तो आपने उसको सबसे ऊपर कर देना है, मींस के सबसे बड़े वाले पे रखना है। जितना नीचे करोगे उतना छोटा होगा, जितना ऊपर करोगे उतना ही बड़ा स्टिच आएगा, तो आपने सबसे बड़े वाले स्टिच पे रखना है। तो आप किसी भी मशीन पे इस तरह से फ्रिल बना सकते हैं। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ फ्रिल बनाना। तो मैंने बिल्कुल बीचों बीच उस पट्टी के सेंटर में जो है अपना ये फुट रखा है मशीन का, तो अब सेंटर से हम बिल्कुल सिलाई करेंगे, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा इतने अच्छे से ये फ्रिल बनेगी। बस आपने इस तरह से धीरे धीरे आगे चलाते जाना है, और पीछे देखोगे आपकी फ्रिल बनती जाएगी। अब ये जो धागा है ना, इसको आपने कट नहीं करना है, पीछे धागा आपने एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, थोड़ा सा धागा पीछे रहना चाहिए। अब इसी तरह से आप आगे आगे धीरे 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 चलाते जाओ, और देखना पीछे आपका पूरा फ्रिल बनता जाएगा, आगे तो सीधा सीधा कपड़ा रहेगा, और पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेरा फ्रिल बनता जा रहा है। तो आजकल तो फ्रेंड्स फ्रिल इतना ट्रेंड में है, आपके प्लाजो पे फ्रिल लगा सकते हो, आप स्लीव्स पे फ्रिल लगा सकते हो, ड्रेसेस पूरे पूरे फ्रिल्स के आ रहे हैं, बच्चों की जितनी भी ड्रेसेस बनती हैं सब में फ्रिल्स तो लगते ही हैं। तो आप इस तरह से फ्रिल बहुत इजीली घर पे अपनी मशीन से बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पूरी फ्रिल बना दी है यहाँ पे, आप देखिए आप इसमें किस तरह से ये पीछे बनी है हमारी फ्रिल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जब इसको निकालना है, तो धागा बिल्कुल पास से कट नहीं करना है, लंबा धागा रख के उसके बाद कट करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों रखना है लंबा धागा। तो यहाँ पे धागा थोड़ा सा लंबा रखें, उसके बाद कट करें। अब ये देखिए, मैंने इतना लंबा धागा रखा है यहाँ पे, तो इस तरह से हमारी ये फ्रिल बनी है, ठीक है। अभी देखिए, ये फ्रिल जो थोड़ी दूर दूर लग रही है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा घनी नहीं है। इन केस अगर आपको फ्रिल घनी करनी है, मतलब टाइट टाइट रखनी है, तो आप यहाँ से देखिए, मैंने इन दोनों धागों को अलग कर दिया है, आपने एक धागे को पकड़ के खींचना है, ठीक है, एक धागे को पकड़ के खींचते जाना है, और फ्रिल को दूसरी साइड पे आगे लेते जाना है इस तरह से, ठीक है। तो आपने देखना, मतलब आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फ्रिल जो है वो घनी घनी चाहिए या फिर थोड़ी लूज लूज चाहिए। तो धागे को पकड़ के खींचते जाएं और इस तरह से फ्रिल को आगे आगे करते जाएं, तो फ्रिल आपकी पूरी टाइट होती जाएगी। ये देखिए, इस तरह से काफी घनी घनी फ्रिल बनती जाएगी इस तरह से। तो धागा पूरा साइड से आप खींचते जाइए, तो देखना पीछे धागा आपका इतना बड़ा बच जाएगा, और आगे जो फ्रिल है वो इस तरह घनी घनी हो जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपने मतलब पतली वाली फ्रिल चाहिए आपको या फिर घनी वाली फ्रिल चाहिए। अगर पतली वाली चाहिए तो आपको ये धागा खींचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन अगर आपको घनी घनी फ्रिल चाहिए तो इस तरह से धागा पकड़ के थोड़ा सा खींच लो, और ये पूरी बन जाएगी आपकी। तो वीडियो कैसा लगा है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलती हूँ नई और वीडियोज में आपके साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप भी इस तरह से फ्रिल बनाइए और इन्जॉय करिए इस वीडियो को।